A coin is tossed 3 times. Event A, no head appears. यानी तीनों के तीनों tail हैं. तो A का मैं simple space ही लिख दे रहा हूँ. Tail, tail, tail. Event B, exactly one head appear. Head, tail, tail. Tail, head, tail. Tail, tail, head. और event C, at least two head appear. कम से कम दो head आने चाहिए. तो exactly दो head आए. यानी head, head, tail. टेल हेड हेड और हेड टेल हेड या फिर तीनों के तीनों हेड आ जाए तो हेड 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 और एस बोला गया सैंपल स्पेस. देखो अगर आप सैंपल स्पेस लिखोगे तो क्या आएगा या तो एक भी हेड ना आए या एग्जैक्टली एक हेड या एग्जैक्टली दो हेड या एग्जैक्टली तीनों हेड. क्या वो ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल है क्या? तीनों का जैसे यूनियन करोगे आपके पास सारे पॉसिबल केस आ जाएंगे. तो एस हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ऑप्शन ए.